next question uh, question says fg and fe represent gravitational and electrostatic force रिस्पेक्टिवली बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर सवाल ये रेशो ऑफ एफ जी एंड एफ ई वुड बी इन द ऑर्डर ऑफ हमारे ऑप्शन है टेन टू दॉर फोर्टी टू या फिर टेन या वन या फिर टेन टू द पावर माइनस फोर्टी थ्री नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन सवाल देख के हम इसका आंसर कह सकते हैं कि इसका आंसर डी आना चाहिए बिकॉज आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स सो उसका रेशो क्योंकि इन चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो कि आपका बहुत टेन टू द पावर फोर्टी थ्री है तो वो आपका राइट right आंसर होना चाहिए बट एट द सेम टाइम इसे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं right? uh, यही पे अगर आपके होते, 10 41, 45, तब हम से कह नहीं सकते देखते हैं right? तो दो इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ रखे हुए हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर उनके बीच में दस सेंटीमीटर की दूरी है इलेक्ट्रोसैडिक फोर्स का रेशो में निकालना है तो उनके बीच में जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर उन्हीं के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर ना इन दोनों को अगर हम डिवाइड uh, कर दें रेशो जो हमें चाहिए तो हम कह सकते हैं एफ जी डिवाइडेड बाई एफ ई विल भी इक्वल टू इसका रेशो आ जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर बस हमें यहाँ वैल्यू रखनी है और अपना आंसर आ जाएगा इस केस में ठीक है सो so, जी की वैल्यू होएगी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा नाइन पॉइंट वन या उसको नाइन ही लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन मल्टीप्लाइड बाय क्यू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन का स्क्वायर सो so, इसको अगर हम वैल्यू सारी लिख लें तो ये आएगा 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाय नाइन मल्टीप्लाइड बाई नाइन डिवाइडेड बाय नाइन इंटू वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय अब टेन की पावर लिख लेते हैं यहाँ पे ठीक है so, सो आएगा टेन टू दी पावर माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस सिक्सटी टू मल्टीप्लाइड बाय उसके ऊपर ले जाएंगे तो टेन टू द पावर माइनस नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस थर्टी एट अच्छा नीचे थर्टी एट था ऊपर जाके प्लस थर्टी एट हो जाएगा अब अगर इसको एस्टिमेट करेंगे सो नाइन प्लस इलेवन हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी uh, और सिक्सटी टू एड किया तो एट्टी टू एट्टी टू में से अगर हमने थर्टी एट माइनस किया तो बनेगा टेन टू द पावर फोर्टी फोर माइनस फोर्टी फोर सो ये हो गया टेन टू द पावर माइनस फोर्टी फोर ना यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक नाइन से एक नाइन कट जाएगा सिक्स इंटू नाइन जब करेंगे हम तो सिक्स इंटू नाइन कितना सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू नाइन करीबन सिक्सटी से थोड़ा सा कम रहेगा डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स करेंगे तो एक ज़ीरो की वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी तो अपना जो ऑर्डर बन गया ये हो जाएगा टेन टू दी पावर माइनस फोर्टी थ्री का ऑर्डर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर